everyone, welcome back to my channel. My name is Shobha. In today's video, I'm going to review for a product which is from the brand Sugar. And yes, if you are new to my channel, please consider subscribing and also press that bell icon next to it so that you will never miss any of my videos. And yes, don't forget to follow me on Instagram. So, chaliye video ko start karte hain. तो जैसा कि अभी कमिंग फेस्टिव आ रहा है, तो आज मैं जो प्रोडक्ट आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करूंगी ना, ये फेस्टिव के लिए बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है. एंड यस, सबसे प्लस पॉइंट है कि ट्रेवल फ्रेंडली है. एंड शुगर एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है, एज यू ऑल नो. इसके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं, इसका इफेक्ट भी काफी अच्छा होता है. तो चलिए एक बार प्रोडक्ट को आप लोग को शो कर देती हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोग शेयर करूंगी. एज यू कैन सी, ये शुगर का देख सकते हो आप, ये फेस पैलेट है. मीन्स इसमें आपको हाइलाइटर, ब्रोंजर एंड ब्लशर तीनों मिलेगा. एंड ये शुगर का मिनी लिपस्टिक. ये मुझे मीन्स जब मैंने 1500 समथिंग का कुछ प्रोडक्ट परचेस किया था शुगर से, तो मेरे को ये फ्री में मिला था, जो कि काफी अच्छा. एंड आप इसकी पैकिंग वगैरह देख सकते हो, ये टिन जैसे बॉक्स में इसकी पैकिंग आती है, जो कि काफी अच्छा है, काफी हैंडी है, ब्रोक नहीं होता, सारे लिपस्टिक एक में आ जाते. तो चलिए एक बार मैं इसको ओपन करके भी आप लोग को शो कर देती हूँ. एज यू कैन सी, ये इसमें आपके चार लिपस्टिक आ जाएंगे. एंड ये लिक्विड लिपस्टिक है, जो कि काफी अच्छा है. एंड ये जो पैलेट है, इसके ऊपर का आप देख सकते हो, जो आउटर कवर आया था वो इस टाइप का आया था. एंड जो मेरा लिपस्टिक का बॉक्स था, उसके ऊपर ऐसे करके एक ये कार्डबोर्ड जैसा आया था. एंड गेस, सबसे पहली बात इसकी प्राइस बता दू, जो ये कंटूर पैलेट है, इसका जो प्राइस है वो है 799 रुपीज. एंड ये जो मिनी लिपस्टिक है, इसका प्राइस है, या ये भी 799 रुपीज का, बट मुझे ये फ्री मिला था. अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हो तो ये भी आपको अलग से बिल्कुल सेपरेटली मिल जाएगा. एंड मैंने इसको नायका के साइट से परचेज किया था, सो प्रोडक्ट का परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सो दैट अगर कोई परचेज करना चाहते तो आप लोग जाके वहां से परचेज कर सकते हो. एंड ये जो पैलेट है ना, ये काफी रीजनेबल है. मीन्स रीजनेबल मैं इसलिए बोल सकती हूँ बिकॉज आपको तीन मिल रहे हैं 800 में. अगर आप सिंगल भी कहीं परचेस करते हो ब्लशर या हाइलाइटेड, आपको 400 या 500 से कम में एक नहीं मिलता है. तो आपको ये तीन का सेट मिल रहा है एक ही साथ, जो कि काफी अच्छा है. एंड इसमें आपको 3 शेड्स अवेलेबल मिल जाएंगे, सटल, समिट, विविड, विक्ट्री. एंड वन मोर शेड और है, जो कि अभी मेरे को लग रहा है ये रिसेंट में ही नया वाला एक ये शेड लॉन्च हुआ है, जो कि है फियर्स फीट. एंड मेरे पास जो शेड है वो देख सकते हो आप, 01 सटल समिट है, ये आप देख सकते हो. तो इसको मैं आप लोग को एक बार ओपन करके शो करती हूँ. एज यू कैन सी, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी फ्लिप जैसी बोल सकते हो प्लास्टिक का था. मैंने जब इसका रिव्यू शेयर किया था नायका का, एट दैट टाइम मैंने शो किया था, बट वो क्या था, वो सारा मैस हो जाता है एज मैं क्लोज करके शो करूं, दैट्स व्हाई मैंने उसको हटा दिया है. सो दैट मैसी होने के बाद थोड़ा सा बुरा लगता है देखने में. इवन आप डेली यूज करते हो चीजों को, तो उसको नीट एंड क्लीन रखना बिल्कुल जरूरी है. एंड ये जो पैलेट है, ये मेड इन इडली है. एंड ये क्रूल्टी फ्री है, वेगन फ्री है, काफी अच्छा है. एंड इसकी पिगमेंटेशन भी काफी अच्छी वाली है. तो जो लोग बिल्कुल नेचुरल फिनिशिंग वाला लुक चाहते हैं, तो आप लोग ये वाला पैलेट यूज करके बिल्कुल वो फिनिशिंग लुक आप लोग पा सकते हो. एज यू कैन सी कि मैंने अभी फेस मेकअप तो कर लिया, बट मैं ब्रोंजिंग, हाईलाइटिंग एंड ब्लशिंग नहीं करी हूं. तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, शो करूंगी. एंड साथ साथ में मैं एक लिपस्टिक भी आपको अपने लिप्स पे अप्लाई करके शो करूंगी. एंड उसके बाद बाकी जो कलर्स है उसको मैं स्वैच करके आप लोग को शो करूंगी, सो दैट आप लोग को पिगमेंटेशन एंड कैसा है कलर वो बिल्कुल पता चल जाए. एंड प्रोडक्ट की बात करूं ना, तो काफी अच्छा है. मीन्स क्वांटिटी वगैरह इसकी काफी ठीक ठाक दी हुई है. एंड एज ये देख सकते हो आप, ये ऐसे आएगा, मीन्स 3 शेड में. तो आप लोग जो भी आपके स्किन टोन हो, उस अकॉर्डिंग आप लोग इसको परचेज कर सकते हो. काफी अच्छा है, मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है. इवन आप ये भी बोल सकते हो कि शुगर का ये मैं फर्स्ट प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ. मीन्स मैंने थ्री प्रोडक्ट समथिंग इकट्ठे लिया था, तो मुझे इसके साथ वो वाला पैलेट फ्री मिला था. एंड ये जो देख सकते हो, ये काफी अच्छा वाला है. मीन्स आप चाहो तो शुगर के साइट से भी परचेज कर सकते हो, एंड नायका पे बिल्कुल इजिली अवेलेबल. एंड जैसे कि फेस्टिव आ रहा है अभी, तो फेस्टिव के लिए काफी अच्छा. एंड मुझे सबसे अच्छी बात इसमें पता क्या लगी, ये बहुत ही अच्छे ट्रैवल फ्रेंडली. मीन्स ट्रैवलिंग करते वक्त आपको ऐसे ही प्रोडक्ट लेने चाहिए जो आपके एक में ही बहुत सारे शेड्स हो, बहुत सारे वेरिएंट हो, छोटे छोटे हो, जो कि आपके ज्यादा स्पेस को कवर ना करे, सो दैट आपके क्या होते कि ट्रैवलिंग में चीजें आप बहुत आराम से उसको ले सकते हो. और आप 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहे हो, तो बिल्कुल ईजिली आप इन चीजों को कैरी कर सकते हो. एंड ये सुपर हैंडी है. साथ में आपको देख सकते हो, ये मिरर भी दिए गए, जो कि जब आप अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन में काफी ईजी हो जाना है. एंड काफी अच्छा, मीन्स आपको एक में ये मिलता है. तो चलिए मैं अब इसको आप लोग को अप्लाई करके शो करती हूँ कि आप कैसे अप्लाई करना है.
एंड उसके बाद मैं फिर लिपस्टिक के भी शेड आपको अप्लाई करके शो करती हूँ। सबसे पहले मैं नोज से स्टार्ट करूंगी। ये आप देख सकते हो मैं एक ऐसे स्मॉल ब्रश ली हूँ एंड इसमें जो ये आप देख सकते हो ये ब्रोंजिंग का शेड है, बहुत हल्के हाथों से, एंड जो एक्सेस आपको लग रहा है वो आप डस्ट ऑफ कर लीजिए। एंड चलिए मैं पहले नोज से स्टार्ट करती हूँ। एक जब आप पतला ब्रश लेके आप करोगे ना तो क्या होगा, उससे बिल्कुल एक्यूरेट आपको शेप भी मिलेगा एंड काफी इजी हो जाएगा आपको उससे अप्लाई करना। तो अगर बिगनर्स हैं तो वो लोग भी ऐसे कर सकते हैं एंड जिनको भी कंफर्टेबल हो जैसे ब्रश यूज करना, बट मुझे ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, सो दैट्स व्हाई मैं ऐसे पतला ब्रश लेके पहले एक शेप कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो कंटूर और या बोल सकते हो ब्लेंडिंग ब्रश है उसको लेके अच्छे से उसको फिर मैं पूरा जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से वहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे हल्के हाथों से करें बिल्कुल, एंड आप देख सकते हो इसकी कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा मीन्स डार्क भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट वाला आपको ये शेड प्रोवाइड कर रहा है। एज यू कैन सी कितना नेचुरल सा फिनिशिंग लग रहा है ना इसका, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा, मीन्स ब्राउनिश ज़्यादा, सो दैट कि प्रोडक्ट ब्लैक ही कर दे आपके उस एरिया को। काफ़ी नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है शुगर जो कॉस्मेटिक्स है उसके प्रोडक्ट्स की, यही एक बहुत अच्छी वाली खासियत होती है ना कि ये आपको बहुत अच्छा वाला फिनिशिंग लुक देता है, साथ साथ में लॉन्ग लास्टिंग होता है और इसकी जो पिगमेंटेशन बोल सकते हो, जो भी अगर आप कुछ भी इसका प्रोडक्ट यूज़ करो तो काफ़ी अच्छी होती है। एंड विद द हेल्प ऑफ सेम ब्रश मैं एक लाइनिंग कर लूँगी अपने कंटूरिंग के लिए कि मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए। मैं ये इसीलिए कर रही हूँ, चाहूँ तो मैं एक बार ही कंटूरिंग ब्रश से यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं स्टेप कर रही हूँ सो दैट कि जो बिगनर्स हो उनको भी ये क्लियरली पता चल पाए, अगर उनको ऐसे अप्लाई करना है तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं ये कंटूर ब्रश को लेके पूरे ही जहाँ पे भी मेरे को अप्लाई करना है, जॉ लाइन पे एंड चिक्स पे, सो दैट आपके फीचर्स इन्हेंस होके आए एंड आप जो एक स्कल्प्टेड फेस चाहते हो वो बिल्कुल अच्छे से मिले। एंड आफ्टर दैट मैं ये एक पाउडर ब्रश लेके या बोल सकते हो ब्लश ब्रश जिनके पास हो, तो मैं क्या करती हूँ ब्रश को भी मल्टी यूज़ कर लेती हूँ, उससे लेके अपने चिक बोन्स पे उसको अप्लाई करूँगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये कितना नेचुरल वाला इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा ही नेचुरल है, एंड मुझे यही चीज़ बहुत पसंद आती है कि मेरे को हमेशा नेचुरल ब्लश वगैरह अच्छा लगता है। एंड बिल्कुल हल्के हाथों से आप ऐसे राउंड अप करके अप्लाई करो, आप देख रहे होगे मैं किनकुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना उस पर वो चल रहा मक्खन की तरह, तो बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में करते हुए बिल्कुल अपने जो बोलते हैं ना चिक्स के ऊपर करूंगी एंड बहुत ही सटल सा लुक प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये जो कलर है ये ब्लश के बहुत ही अच्छे हैं एंड थोड़ा सा ही प्रोडक्ट ले रही हूँ एंड बहुत जो मेरे को पार्टिकुलर जो शेड चाहिए चिक्स पे वो मेरे को उभर के दिख रहा है। एज यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल बोलते ना एकदम हल्का वाला पिंक का जो ये टच आया काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जो लोग ऐसे लाइट मेकअप करना चाहते हो उनके लिए ये पैलेट बहुत अच्छा है। एंड चलिए अब मैं विद द हेल्प ऑफ फैन ब्रश हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ। आपके पास अगर फैन ब्रश नहीं है तो जो भी ब्रश है आप जिससे भी कंफर्टेबल हो तो आप लोग उससे अप्लाई कर लीजिएगा। एंड आप देख सकते हो इसकी पिगमेंटेशन, जस्ट लव इट, काफ़ी अच्छा है। एंड आपको अपने मेकअप में इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आपको हाइलाइटर बिल्कुल यूज़ करना चाहिए एंड ये इंस्टेंट आपके फेस पे एक शाइन ऐड कर देता है। तो इसको मैं अपने चीक बोन्स पे, ब्रिज ऑफ द नोज एंड आईब्रो के ऊपर एंड उसके बाद फिर अपने चिन वगैरह पे अप्लाई करूंगी सो दैट वो एरियाज थोड़े हाईलाइट हो जाए मेरे। ये सारे एरियाज आपको मोस्ट प्रोबेबली हाईलाइट करना ही चाहिए जब आप एक अच्छा मेकअप या नेचुरल मेकअप करना चाहते हो। एंड आप देखना ये बिल्कुल नेचुरली वाला लुक मेरे को प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल आपने देख चुका था मैंने बेस किया था एंड उसके बाद आपके सामने कंटूरिंग, ब्लशिंग एंड हाईलाइटिंग कर रही हूँ, तो बिल्कुल इंस्टेंट आपको चेंज मेरे उस वाले एंड इस वाले लुक में बिल्कुल से आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, बस एक नेचुरल सा फिनिशिंग लुक आपको दिख रहा होगा। तो देख सकते हो मैंने बिल्कुल वो सारी चीज़ें अप्लाई कर लिया एंड यू कैन सी द रिजल्ट, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना। एंड चलिए अब शुगर की लिपस्टिक आप लोग को अप्लाई करके शो करते हो। देख सकते हो इसमें ये फोर शेड्स आते हैं एंड ये जो चारों शेड्स हैं वो बिल्कुल फेस्टिव वाले शेड्स हैं। जैसे कि भी फेस्टिवल्स आ रहे तो थोड़े हम होते हैं ना कि बोल्ड लुक है, बिकॉज हम वैसे तो नॉर्मली नेचुरल लुक रखते हैं बिल्कुल न्यूड, बट फेस्टिव में थोड़ा सा वाइब्रेंट अच्छा लगता है। एंड ये फोर शेड्स हैं जो कि है 29 स्कारलेट स्टारलेट, 25 वेरी मलबरी एंड यस 04 प्लमियम एंड 43 हॉट शॉट। तो इसमें से एक शेड को मैं अप्लाई करती हूँ एंड बाकी शेड्स को आप लोग को स्वैच करके शो करती हूँ। तो कौन सा चूज करूँ जो कि अच्छा लगे, आई थिंक वाइब्रेंट पिंक करूँ, यप आई सो कि वो अच्छा लगेगा।
एंड यस, आप जब भी कोई भी लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कीजिए उसके पहले लिप ग्लॉस जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। एंड ये लिप ग्लॉस है, लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसे मतलब लिप ग्लॉस में थोड़ा कलर चाहते तो आप लोग मैबलिन का ये वाला लिप ग्लॉस यूज कर सकते हो। एंड चलिए मैं अब इसको वाइप्स करती हूँ एंड आफ्टर दैट ये वाला लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। ये काफी अच्छा वाला ग्लॉस है, पता है, बहुत ही अच्छा एक नेचुरल कलर देता है लिप्स पे। ये जाएगा ही नहीं, पता है, जब तक ये वॉश नहीं करोगे। बहुत प्लस पॉइंट है इसकी। एंड मैं इसको जब भी मुझे ऐसा होता ना कि नेचुरली चाहिए और नहीं अप्लाई करना लॉन्ग टाइम, तो मैं इसको फटाफट से अप्लाई कर लेती हूँ। सो दैट एक लिप ग्लॉस का लिप ग्लॉस भी हो जाता है एंड एक नेचुरल सा कलर भी रहता है। इसमें काफी दो चार शेड्स आते हैं तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें से मैं ये पिंक को अप्लाई करती हूँ हॉट शॉट। एंड ये कितना हॉट शॉट होएगा वो तो अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा मैं रेड लगाऊं या पिंक लगाऊं। लिटिल बिट कंफ्यूज हो रही हूँ बिकॉज ग्रीन है तो आई थिंक सो पिंक। यप, चलिए पिंक अप्लाई करती हूँ एंड बाकी शेड्स तो आपको स्वेच करके शो करूंगी। आप एक बार शेक वेल कर लीजिएगा एंड ये आप देख सकते हो कितना अच्छा छोटू सा है ना। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये मैंने अप्लाई कर लिया एंड कितना अच्छा बोल्ड वाला कलर है। आई जस्ट लव इट, बहुत ही अच्छा वाला कलर है। एंड यस, ये बहुत ही क्विकली ड्राई हो जाता है। एंड ये जो लिक्विड लिपस्टिक है ये आपके नॉर्मल खाने पीने से भी नहीं जाने वाला। एंड आपको इसको रिमूव करने के लिए एक अच्छा वाला मेकअप क्लींजिंग मीन्स लोशन बोल लीजिए या लिक्विड बोल लीजिए या मिसेलर वाटर बोल लीजिए वो आपको चाहिए होगा, तभी ये रिमूव होगा, आइदर वैसे नहीं होने वाला है। एंड चलिए बाकी शेड्स आप लोग को एक एक करके मैं स्वैच करके शो करती हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो शेड नंबर है 04 प्लम यम, ये थोड़ा सा न्यूडिश पिंकिश करके ये शेड है एंड इसको मैं एक स्वैच करती हूँ। जिनको भी थोड़ा न्यूड कलर पसंद हो बिल्कुल लाइट वाला उनके लिए परफेक्ट है, मीन्स ऑफिस गोइंग कॉलेज गोइंग वालों के लिए काफी अच्छा वाला ये वाला कलर है। एंड उसके बाद जो है एंड यस आफ्टर दैट जो कलर है वो है 25 वेरी मलबरी। एंड ये जो लिक्विड लिपस्टिक है ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है एंड ये थोड़ा वाइन कलर है, थोड़ा वाइन के टच में है बट बहुत ही ज्यादा बोल्ड है एज यू कैन सी। ओ वाओ, आई जस्ट लव ऑल द शेड्स। देख रहे हो कितना अच्छा वाला, बिल्कुल अगर कोई शादी वगैरह के लिए बिल्कुल ये जो कलर्स है ना एंड इवन ये जो पैलेट है, जिनकी भी शादी होने वाली हो, न्यूली मैरिड हो, वो लोग मेकअप करने के लिए फेस्टिव है, मीन्स ऑल राउंडर वाले सारे कलर्स हैं। एंड ये जो लास्ट शेड है ये देख सकते 29 स्कारलेट स्टारलेट एंड ये थोड़ा सा मीन्स आपको कलर आप देख लो पहले रेड, बिल्कुल बोल्ड रेड नहीं, थोड़ा सा रेड के ही टच में है ये बट काफी ही अच्छा बोल्ड बोल्ड वाले कलर्स हैं। एंड एक बार चलिए पिंक को भी मैं साथ साथ में स्वैच कर ही दूं सो दैट आप लोग को ये चारों कलर्स प्रॉपरली। ओह वाओ, तो ये देख सकते हैं ये चारों शेड्स काफी अच्छे हैं एंड बहुत ही क्विकली ड्राई हो जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये ड्राई हो चुका है बिल्कुल ही अच्छे से, तो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड यस, काफी अच्छा आपके लिप्स को मीन्स थोड़ा सा आपको ड्राइनेस हल्की वाली फील होगी जब भी आप कोई लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करोगे एंड एज यू कैन सी एंड ना ही ये स्मज होएगा। सो है ना काफी अच्छा एंड बहुत ही अच्छा वाला शुगर ने ये जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं काफी अच्छा है। एंड अगर आप कुछ ऐसे आप कुछ ऐसे बल्क में प्रोडक्ट्स लीजिएगा तो आपको ये ऑफर में भी मिल जाएगा। मीन्स शेड तो मैं नहीं बोल सकती कि शेड सेम आएगा आपको या नहीं, बट यस अगर आप सेम शेड में या कुछ ऐसा परचेस करना चाहते हो सो दैट आपको ये अलग से भी मिल जाएगा। 799 आप पे करो एंड अपने अकॉर्डिंग जो भी शेड्स वगैरह है वो आप लोग परचेस कर सकते हो। एंड आप ओवरऑल देख सकते हो उस पैलेट को यूज करके मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया एंड एज यू कैन सी तो काफी अच्छा है ना। आप लोग भी घर पे ऐसे अच्छे वाले आप लोग देख रहे होगे, जब मैंने वो पैलेट यूज नहीं किया था मीन्स ब्रोंजिंग हाइलाइटिंग एंड ब्लशिंग नहीं किया था तो
तो थोड़ा सा फेस ना वो डल लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस कुछ अधूरा है फेस पे, एंड नाउ मेकअप कंप्लीट हो गया। तो आपको जब भी अपने फेस पे शाइनी ग्लोई ड्यूई लुक चाहिए तो उसके लिए आप लोग हाइलाइटिंग जरूर कीजिएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड फेस्टिव आ रहा है तो आई होप जो लोग परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो हो जाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेके बहुत जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।